हेलो दोस्तों, इस वीडियो में ना मैं आपको TDM वेयरहाउस के 5 ऐसे सीक्रेट लोकेशन और ट्रिक्स बताने वाला हूँ ना, जिसका यूज़ करके आप अपने टीम में सबसे ज़्यादा किल कर सकते हो। जहाँ दोस्तों एनिमी को इजीली आप मार सकते हो, चाहे स्नाइपिंग के लिए हुआ या फिर ऑटो गन के लिए हुआ, हर एक काम में ये ट्रिक्स आने वाली है। और दोस्तों सच बता रहा हूँ, किसी को ये ट्रिक्स पता नहीं होंगी, ये सीक्रेट लोकेशन पता नहीं होंगे, तो ईजिली आप वहाँ पर जाके बहुत ज़्यादा एनिमी को TDM वेयरहाउस में मार सकते हो और ईजिली दोस्तों आप अपना गेम लेवल को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हो, प्रो लेवल तक। सच बता रहा हूं, बहुत ज्यादा मजा आएगा। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करूं उससे पहले, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को 5000 लाइक नहीं किया तो यार 5000 लाइक सबसे पहले कर दो, और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो वो भी कर दो। और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ना, तो वहां पे भी फॉलो कर लो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फ्री में रॉयल पास और यूसी पाने के लिए ना फ्री रॉयल पास नेम का ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसे ओपन करने के बाद सिंपली आपको पार्टिसिपेट नाउ कर देना है। ये कर दोगे ना, अगर आप विनर आते हो, लकी आते हो ना, तो आपको एक फ्री में रॉयल पास दिया जाएगा दोस्तों। और इसमें इतना ही नहीं, आपको सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करने के यूसी मिलते हैं यहाँ पे, आप जैसा कि देख सकते हैं। और दोस्तों इसकी एक खास फीचर ये है कि अगर इन्वाइट करते हो ना, तो पर इन्विटेशन के आपको 2 यूसी मिल जाते हैं। 10 को इन्वाइट कर दो, आपको 20 यूसी ऐसे ही मिल जाएंगे। यहाँ पे मेरा वॉलेट देख सकते हैं, 628 यूसी है, और ये मेरा जो है रिडीम हिस्ट्री है, कितना यूसी मैंने रिडीम किया है। तो जल्दी से आप इसे डाउनलोड कर लो, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों जो हमारा सबसे पहला सीक्रेट लोकेशन है ना, ये TDM वेयरहाउस के एकदम मिडिल में है। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, इस समय जहाँ पे मैं भाग के जा रहा हूँ, यहाँ पे भाग के आके आपको बैठ जाना है। जब मैच स्टार्ट होना है, यहाँ पे आके आप भाई बैठ जाओ, यहाँ पे आपको कोई भी एनमी नहीं देख पाएगी। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, इस समय मैं बैठा हूँ, सारे एनमी आ रहे हैं जा रहे हैं, नहीं देख पा रहे। ये भाई साहब का तो पता ही नहीं कहाँ पे भाग रहे थे, इन्होंने थोड़ा सा भी नहीं देखा और फालतू में मारे गए। तो ऐसे ही यहाँ पे स्टार्टिंग में आके अगर आप बैठ जाते हो तो आपको कोई भी नहीं देख सकता, और इजीली आप बहुत सारे जो है किल कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं सेकंड टाइम आके यहीं से जो है बैठ गया हूँ, और दूर दूर तक जो एनिमी है उन्हें मैं इजीली किल कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इजीली मैं मार सकता हूँ, और यहाँ पे मैं मारा गया क्योंकि मेरी गन जो है वो रिलोड होने लगी थी, और वापस से मैं यहाँ पे आके बैठ गया। उसके बाद देख सकते हैं, फाइनल ब्लो मैंने किया और इसे मैंने जो है मार के हमने जो है मैच विन कर गए। तो ये भी एक कमाल की सीक्रेट लोकेशन है। उसके बाद दोस्तों आज का जो हमारा सीक्रेट लोकेशन है ना, वो है स्नाइपिंग के लिए। अगर आपको स्नाइपिंग करना पसंद है तो ये ट्रिक आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो स्नाइपिंग के लिए सबसे पहले आप यहां पे आ जाओ। यहां पे आने के बाद दोस्तों यहां पे प्रॉन हो जाओ। यहां पे अगर आप प्रॉन हो जाते हो तो आपको कोई भी नहीं देख सकता, यहां पे आप देख सकते हैं, और लेकिन आप पूरी की पूरी एनिमी के जो साइड का एरिया है ना, पूरा का पूरा आप देख सकते हैं और इजिली आप किल कर सकते हैं। यहां पे आप जैसा कि देख सकते हैं, मुझे जो है पूरा एनिमी का जो लॉबी है, जहां से वो लोग आते हैं, एरिया है पूरा का पूरा इजिली दिख रहा है। यहां से मैं स्नाइपिंग कर सकता हूं, अभी तक कोई बंदा बाहर ही नहीं आया। और दोस्तों आज का जो हमारा तीसरा है वो है दोस्तों प्रॉन एंड फायर। जहाँ दोस्तों यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, ये सबसे रामबाड़ इलाज है। जहाँ दोस्तों अगर आपसे कोई एनिमी मारा नहीं जा रहा है तो उसके सामने अगर आप प्रॉन होके ना फायर कर रहे हो तो भाई आपको कभी नहीं मार पाएगा। जहाँ दोस्तों भूल चूक से एक आध बार हो जाता है, खुद मारे जाते हैं, लेकिन 90% दोस्तों आप एनिमी को मार दोगे। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, मैं लाइव करके आपको दिखा रहा हूँ, मैं कितने सारे एनिमी को प्रॉन एंड फायर होके मार के दिखा रहा हूँ। ये ट्रिक मैं बहुत ही पहले से यूज़ करता आ रहा हूँ, मैंने आपको बताया भी है, अगर आप प्रॉन एंड फायर यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी एनिमी नहीं मार पाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये भी मुझे नहीं मार पाया। तो ऐसे दोस्तों आप बहुत ज़्यादा हाई किल कर सकते हो अगर आप प्रॉन एंड फायर का यूज़ करते हो। और दोस्तों ये ट्रिक ना सच बता रहा हूँ, TDM वेयरहाउस के लिए तो एकदम लाजवाब है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, अगर आप TDM वेयरहाउस खेलते हो डेली, तो ये ट्रिक आप प्रॉन एंड फायर यूज़ करके देखो, आपका खुद जो है पता चल जाएगा कि किल रेटिंग कितना बढ़ गई है। उसके बाद दोस्तों आज का जो हमारा चौथा ट्रिक है ना, वो है ग्रेनेड के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, जो ग्रेनेड होता है ना, एकदम टॉप पे रखा रहता है। अगर हम इसे चढ़ने, मतलब कि इसके ऊपर चढ़ के अगर हम उठाएंगे तो हमें इजीली कोई एनिमी मार देगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बिना चढ़े उठा सकते हो। तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ पे आ जाओ, उसके बाद यहाँ पे जंप करो। जंप करोगे ऑटोमेटिक जो है ग्रेनेड आपके बैग में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आ गया। वापस से करते हैं वापस, यहाँ पे आप देख लीजिए ये भी नेट आ चुका है मेरे बैग में। वापस से चलिए हम करते हैं, नेट आ जाए तो। यहाँ पे आप देख लीजिए, वापस से मैं ट्राई कर रहा हूँ,
और ये वाला नेट भी मेरे बैग में अभी आपके सामने ही आ जाएगा और आ चुका है। अब मैं आपको अपना बैग भी दिखा देता हूँ कि मेरे बैग में कितने ग्रेनेड आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए मेरे बैग में जो है 3 ग्रेनेड आ गए और मैंने जो है ऊपर चढ़ा तक नहीं, मैंने नीचे से ही सारे के सारे ग्रेनेड उठा लिए। तो दोस्तों ऐसे ही थोड़ा स्मार्ट तरीके से आप इजिली जो है ग्रेनेड उठा सकते हो बिना जो है कंटेनर के ऊपर चढ़े। दोस्तों आज का जो हमारा लास्ट सीक्रेट लोकेशन है ना वो वेयर हाउस के एकदम पास में है। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं ये है, यहाँ पे दोस्तों अगर आप आके बैठ जाते हो ना तो आपको दोस्तों सच बता रहा हूँ पूरा का पूरा लोकेशन का व्यू मिलेगा, पूरा का पूरा टेडियम वेयर हाउस का व्यू मिलेगा। इजीली आप यहाँ से किल कर सकते हो। यहाँ पे आप देख लीजिए एक बंदा ऊपर जो है प्रॉन है स्नाइपिंग के लिए, मैं उसे किल करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए हेड पे मैं एम कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देख लीजिए 2-3 एमओ में वो बंदा जो है मर गया। तो ऐसे ही दोस्तों अगर आप यहाँ पे आके बैठ जाते हो तो आपको पूरा का पूरा व्यू मिलेगा। आप वेयर हाउस के अंदर आने वाले एनमी को भी मार सकते हैं, उनके साइड का पूरा एरिया भी आपको बिल्कुल साफ दिखेगा, क्लियरली यहाँ पे शो हो रहा है, आप इजीली उन्हें मार सकते हो। यहाँ पे आप खुद देख लीजिए ना, मैं पूरा का पूरा आपको व्यू दिखा रहा हूँ और यहाँ से आप देख लीजिए हर तरफ, मतलब कि देख सकते हैं 360 डिग्री आप पूरा का पूरा देख सकते हो और इजीली एनमी को किल कर सकते हो। यहाँ पे आप देख लीजिए एक बंदा है जो उस साइड है, मैं फिर भी उसके ऊपर एम बना रखा है। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं वो नीचे की साइड भाग गया। तो दोस्तों ऐसे ही अगर आप चाहें स्टिक का यूज करके बहुत अच्छे जो है किल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा एनमी को मार सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मेरे ये पांचों के पांचों ट्रिक्स पसंद आए होंगे। दोस्तों अगर ये पांचों ट्रिक्स पसंद आए तो यार इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और हाँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन नहीं दबाया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दो। थैंक यू दोस्तों।